महाराष्ट्र में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ने का ऐलान किया है। शरद पवार ने बताया कि दोनों पार्टियों के बीच 48 में 40 सीटों पर सहमति बन गई है। शरद पवार ने कहा कि बाकी की 8 सीटों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से बात करके फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, साथ साथ फ्यूजन वर्कर्स पार्टी जो महाराष्ट्र के कुछ जिले में है, शेतकरी कामगार पक्ष लेफ्ट, उनको हम साथ लेकर जाने वाले। अभी 40 सीट पर सेटलमेंट हुआ है दोनों में, 8 सीट में बाकी है, वो अगले 2-4 दिन में हमारी मीटिंग हो जाएगी और हम फाइनल करेंगे।